गुड मॉर्निंग गाइस, देखो कितना सारा सब्जी जो है हरा भरा आज मैं बाजार करके मतलब लाई हूँ। और देखो क्या इतना ताज़ी ताज़ी साग जो है ना, बहुत अच्छा लगता है। और इतना सारा ढेर सारा बाजार किया, लेकिन बहुत कॉस्टली है। अभी बाजार करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और ये देखिए क्या है, बोलिए, हम लोगों का बंगाली में तो लाऊ बोलते हैं, लेकिन ये आप लोग लौकी बोलते हैं। अरे हमारे यहाँ पर ऐसे गोल मटोल जैसा होता है। अरे है पटल, और देखिए बड़ा बड़ा ही है। और ये देखिए करेला, करेला मुझे बहुत पसंद है। टमाटर और भिंडी, ये देखिए भिंडी इतना एकदम ताज़ा है। ताज़ा ताज़ा सब्जी जो है लिया है, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं था, तो दो तीन दिन से सब्जी नहीं था। तो आज मतलब यहाँ से ठेला वाला जा रहा था सब्जी का, उनसे ही मतलब ले लिया है। और अभी सब्जी कटिंग करूँगी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए अभी तो मैंने इतना सुंदर सुंदर ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मुझे ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी खाना कितना पसंद है। आप लोगों को भी पसंद होगा गाइस, मुझे भी बहुत पसंद है। और यहाँ सामने से मतलब नीचे से ही जाता है ठेले वाला सब्जी वाला, तो उन्हीं से लिया है। और ताज़ी ताज़ी है, लेकिन कॉस्टली है थोड़ा सा। बाज़ार जाके ख़रीदने से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ से लेती हूँ ना तो थोड़ा कॉस्टली लेता है, क्योंकि घर के सामने से ही देख मिल जाता है। तो गाइस बहुत धूप निकला है और बहुत गर्मी है, इतना मतलब मॉर्निंग है। देखिए अभी मैंने चाय पिया है, चाय मैंने पी लिया है, और मॉर्निंग में इतना गर्म है तो सोचिए दिन भर क्या होगा, क्या हो रहा है। कोलकाता में जो मौसम है ना, वो बारिश होता है तो थोड़ा सा ठंडी ठंडी होता है, लेकिन जब भी बारिश नहीं होता है तभी गर्म से मतलब मर जाते हैं। और इतना गर्म होता है क्या बोलो, पसीना बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और गाइस देखिए मैं नाइटी में ही हूँ, मॉर्निंग में अभी नहाया भी नहीं। सब्जी वब्जी कटिंग करूँगी, उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी, फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो गाइस ये सब तो काम मतलब करना ही है, बहुत सारा काम था वो भी मैंने कर लिया है। अभी फ़िलहाल सब्जी को ठीक करके रखूँगी और थोड़ी बहुत कटिंग करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने। और देखिए यहाँ ना हमारे यहाँ पर ना कलर हो रहा है, तो कलर का इतना स्मेल आता है ना, जैसे नेल पॉलिश पहनते हैं हाथों में, उसी का स्मेल जैसा आता है। और पूरा बिल्डिंग में देखो अंदर के साइड में ये वाला कलर कर दिया है, ग्रीन वाला, कितना बेकार सा लग रहा है। मुझे तो ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये पहले वाइट था अभी ग्रीन हो गया है। और देखिए गाइस मेरा यहाँ पर दूध बैठाया था, दूध देखो मतलब इतना मतलब भूल गई मैं, इतना कम हो गया ये सूख गया दूध को, इसको पानी देना पड़ेगा। और ये देखो इधर में मैं चाय बिठा रही हूँ, दूध वाला चाय होगा तो थोड़ा सा ही देती हूँ, क्योंकि एक तो गाढ़ा हो गया दूध, दूध मतलब गैस में चढ़ा के मैं भूल गई थी, तो मेरा दूध एकदम सूख गया है, तो उसको पानी भी डाल दूँगी। और इधर में मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय में भी पानी दूध जो होगा गर्म हो जाएगा। और पहले जो लाल वाला चाय पिया था उसी में बिठाया है, तो अभी दूध गर्म हो जाएगा, उसका चाय पत्ती देंगे। और इसमें दूध भी मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और दे देती हूँ। हाँ तो अच्छी बनेगी चाय, और ये चाय बन जाएगा, फिर अभी नहीं पीऊँगी मैं, पूजा करके आके फिर पीऊँगी। तो अभी बना के रख देती हूँ, और बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके ठीक करके रख दिया है, और ये साफ़ सुथरा सब कर लिया है। अभी फ़िलहाल इस सब्जी को काटिंग करूँगी, उसके बाद फिर चली जाऊँगी। तो गाइस बोलिएगा मेरा ब्लॉग कैसा हुआ है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और ऐसे प्यार देते रहना। लव यू ऑल, सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू।